तो स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर जना को किस खतरे के बारे में आगाह कर रहा था जो कि दिल्ली में और गले से खून चूस लेता है, और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ क्या हुआ और उसका आगे फ्यूचर क्या होगा स्त्री यूनिवर्स में, और क्या अब हम लोगों को स्त्री यूनिवर्स की आगे की मूवीज में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं, तो इन्हीं सभी चीजों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर पर और मूवी की एंडिंग पर। तो मूवी की एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि भेड़िया, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, स्त्री और विक्की, ये सभी मिलकर सरकटे को हरा देते हैं और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो बेटी है स्त्री की। और तो और आखिरी में हमें ये भी पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक्चुअली में कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक आत्मा है जो कि अपनी माँ का बदला लेने आई थी सरकटे से। और फिर हम लोग मूवी के एंडिंग में देखते हैं कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर गायब हो जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हम लोगों को आगे स्त्री यूनिवर्स की किसी मूवी में दिख सकती है या फिर नहीं। तो देखो, इसका आंसर है हाँ, डेफिनेटली हम लोगों को श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री यूनिवर्स में आगे जरूर से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कंफर्म श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हम लोगों को स्त्री 3 में देखने को मिलेगा। स्त्री 3 ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है और ये भी बोला जा रहा है कि उसकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी शूटिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अपने यूनिवर्स एक्सप्लेन वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करो। अब दूसरा रीजन जिसके कारण हम लोगों को श्रद्धा कपूर वापस से दिख सकती है वो है सरकटा। हम लोगों ने स्त्री 2 के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही है कि सरकटा वापस आ चुका है और वो समा चुका है अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर। और क्योंकि अब सरकटा वापस आ चुका है तो वो फिर से बदला लेना चाहेगा स्त्री, भेड़िया, विक्की और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से, क्योंकि उन्होंने ही उसे मारा है। तो सरकटे से लड़ने के लिए डेफिनेटली श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को तो वापस आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हम लोगों को स्त्री यूनिवर्स की कोई और मूवी में भी देखने को मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो हम लोगों को भेड़िया 2 में देखने को मिले, क्योंकि हम लोगों ने स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही है कि जो भास्कर है वो श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को पसंद करने लगा है। अब जिसके बाद बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो मूवी के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने देखा अक्षय कुमार के कैरेक्टर को, जिसके पास एक लोटा लुढ़कते हुए आता है और उस लोटे में होता है वो लावा जिसमें सरकटा डूब के मरा था, और वो लावा समा जाता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर, और वहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। अब देखो, हम लोगों को मूवी में पहले ही बता दिया गया था कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो सरकटे का वंशज है और इसीलिए सरकटे ने अक्षय कुमार के कैरेक्टर को ही चुना। और अब देखा जाए तो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो स्त्री यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है, यानी कि वो स्त्री यूनिवर्स का थैनोस बनने वाला है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके कई सारे रीजंस है। सबसे पहले तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर सरकटा समा चुका है जिसे अपना बदला लेना है स्त्री श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से, भेड़िया से और विक्की से। अब हम लोगों ने स्त्री 2 में ही देखा कि ऑलरेडी जो सरकटा था वो कितना ज्यादा पावरफुल था, मतलब इतने सारे लोग मिलके भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। तो अब वो अपना बदला लेने के लिए डेफिनेटली और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा ताकि उसके सामने स्त्री यूनिवर्स के कितने ही हीरोज आ जाए कोई भी उसके सामने ना टिक पाए। और दूसरा रीजन है अक्षय कुमार, जो कि इस पूरे स्त्री यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन होने वाले हैं, जिसके कारण डेफिनेटली इस स्त्री यूनिवर्स की बहुत ज्यादा हाइप बढ़ने वाली है। और पर्सनली मुझे ये डिसीजन भी काफी बढ़िया लगा। स्त्री 2 में हम लोगों ने देखा कि सरकटा जो है वो एक बहुत ही पावरफुल विलन तो है लेकिन उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अब अक्षय कुमार के कैरेक्टर में जब वो समा चुका है तो अब उसके पास एक आइडेंटिटी है और अब अक्षय कुमार सरकटे का रोल प्ले करेंगे जो कि स्त्री यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल विलन होगा, तो ऑडियंस के बीच में एक अलग ही हाइप होगी और साथ ही साथ अक्षय कुमार का करियर भी रिवाइव हो जाएगा इसी बहाने। जिसके बाद अब बात करते हैं पहले पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जिसमें भास्कर जना को आगाह कर रहा था किसी खतरे के बारे में। तो देखो, ये वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये एक एक्सटेंडेड सीन है मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन का। यही सेम चीज हम लोगों ने मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी, बस आगे जो हम लोगों को दिखाया गया था वो नया है। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि जो जना है वो भास्कर से कहता है कि हम लोग दिल्ली वापस चले जाएंगे, लेकिन भास्कर जना से कहता है कि नहीं, वो लोग दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरे से जैसे तैसे भास्कर तो बच के निकल सकता है लेकिन जना बचकर नहीं निकल पाएगा, और वो खतरा ऐसा है कि वो गले की एक नस से खून चूस लेता है। तो ये हिंट और किसी का नहीं बल्कि आयुष्मान खुराना के वैम्पायर का है, जिसकी मूवी हम लोगों को अगले साल दिखने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम से। इस मूवी में जो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर होगा वो एक वैम्पायर होगा और इसी का हिंट हम लोगों को दिया गया है इस पहले वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो मूवी आने वाली है उसको डायरेक्ट करने वाले है आदित्य सरपोतदार, जिन्होंने डायरेक्ट की है मुंजिया मूवी। मुंजिया को हम लोगों ने आखिरी बार देखा था उसी जंगल में जहाँ पर भास्कर और जना है, यानी कि चंदेरी के जंगलों में, और मुंजिया ने देख लिया है भास्कर को मुन्नी की चड्डी पहनते हुए और मुंजिया अब डेफिनेटली भास्कर के पीछे पड़ेगा। लेकिन भास्कर तो जाने वाला है दिल्ली, और दिल्ली में कौन है? वैम्पायर्स। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी में मुंजिया और भेड़िया देखने को मिले, क्योंकि मुंजिया मुन्नी के पीछे और मुन्नी भास्कर के नीचे। अब तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में हम लोगों को मुंजिया और भेड़िया का कैमियो देखने को मिलेगा भी या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और तुम लोगों का कोई सवाल होगा स्त्री यूनिवर्स से या फिर स्त्री 2 से तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और बस, अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
लेना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में स्त्री के पूरे यूनिवर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।